नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जया कावड़े, जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा लेक्चर है बीकॉम फाइनल ईयर हिंदी मीडियम के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट नंबर 1 अमलगमेशन एंड एब्सॉर्प्शन शुरू था, उसी के तहत अमलगमेशन के कुछ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए थे या देखे थे। आज हम शुरू करने वाले हैं एब्सॉर्प्शन के प्रॉब्लम्स। उसमें कुछ ज्यादा नया नहीं है, जिस तरह से हमने अमलगमेशन के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं ठीक उसी तरह से हमें एब्सॉर्प्शन के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने हैं। सिर्फ उसमें फर्क इतना रहेगा कि अमलगमेशन में दो या दो से अधिक कंपनी का लिक्विडेशन होता था, या फिर दो या दो से अधिक कंपनियां जो थी वो मिला के एक नई कंपनी फॉर्म हो रही थी। तो वहां पे हमें जो दो कंपनियां हैं जिसका लिक्विडेशन होने वाला है, वो दो कंपनियां या दो से ज्यादा, तो हमने दो ही कंपनियों का अभी तक का देखा है, तो वो दो कंपनियां और एक परचेसिंग कंपनी, ऐसे दो वेंडर कंपनीज और एक परचेसिंग कंपनीज, इनका हमने जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड मेंटेन किया है, उसकी जर्नल एंट्रीज भी हमने देखी है और लेजर पोस्टिंग्स भी देखा है। लेकिन अब एब्सॉर्प्शन के प्रॉब्लम्स में क्या होगा कि एक कंपनी रहेगी लिक्विडेटर, मतलब जो कंपनी वेंडर कंपनी, और दूसरी रहेगी परचेसिंग कंपनी। तो परचेसिंग कंपनी जो है वो परचेसिंग कंपनी एक वेंडर कंपनी को एब्सॉर्ब कर लेगी, और जो वो वेंडर कंपनी है वो कंपनी अपना खुद का बिजनेस, जो उसका खुद का जो चालू होगा वो बिजनेस बंद करके जो परचेसिंग कंपनी है उसमें वो एब्सॉर्ब हो जाएगी, और जो आगे का बिजनेस है वो आगे का बिजनेस उस वो जो परचेसिंग कंपनी रहेगी उस परचेसिंग कंपनी के नाम से वो आगे बिजनेस चलेगा। तो ये एब्सॉर्प्शन के कंसेप्ट हमने सबसे पहले ही ये पढ़ा था, इसी के तहत हम आज का एब्सॉर्प्शन का प्रॉब्लम नंबर 1 देखेंगे। तो प्रॉब्लम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी रहेगी, वो लिंक ओपन करके प्रॉब्लम लिख लेना है और सॉल्यूशन के लिए आगे का जो वीडियो है वो वीडियो कंटिन्यू देखना है। क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अल्फा ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड एज ऑन डिसंबर 31, 1997 की अल्फा कंपनी लिमिटेड की बैलेंस शीट हमें दी है। अब यहाँ पे अमलगमेशन के प्रॉब्लम्स में दो कंपनियों की बैलेंस शीट रहती थी, जो कि वो वेंडर्स कंपनी की बैलेंस शीट थी। तो यहाँ पे एक ही वेंडर कंपनी है, तो यहाँ पे एक ही कंपनी की बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन में दी है। दो कंपनियों की भी दे सकते हैं, उसमें एक परचेसिंग कंपनी एक वेंडर कंपनी। तो यहाँ पे हमें जो वेंडर कंपनी है उसकी बैलेंस शीट दी हुई है, उसी के साथ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया गया है, ये हमें सबसे मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन एंड द असेट्स वेयर सोल्ड टू डेल्टा कंपनी लिमिटेड, मतलब जो अल्फा कंपनी लिमिटेड है वो लिक्विडेशन के लिए जा रही है, लेकिन क्यों, तो वो लिक्विडेशन करके मतलब अपनी खुद की कंपनी बंद करके वो जो उसकी असेट्स है वो असेट्स डेल्टा कंपनी को बेच रही है। मतलब यहाँ पे देखिए, जो अल्फा कंपनी है वो अल्फा कंपनी क्या कर रही है कि डेल्टा कंपनी को अपना बिजनेस बेच रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा कंपनी जो है वो कौन है, वेंडर, और डेल्टा कंपनी कौन है, परचेस, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा कंपनी वेंडर और डेल्टा कंपनी है परचेस। अब देखते हैं कि वो अपना असेट्स कितने रुपए में डेल्टा कंपनी को बेच रही है। तो इन्फॉर्मेशन में दिया गया है टू डेल्टा कंपनी लिमिटेड फॉर ₹1,47,000, जो असेट्स है वो 1,47,000 में, मतलब जो परचेस कंसिडरेशन है वो है 1,47,000, पेबल एज ₹57,000 इन कैश। परचेस कंसिडरेशन यहाँ पे सेपरेटली दिया हुआ है, तो किस तरह से उसका मोड ऑफ पेमेंट है, मोड ऑफ पेमेंट है 57,000 इन कैश विच इज सफिशियंट टू डिस्चार्ज, मतलब वो 57,000 जो कैश दे रहे हैं वो किस लिए सफिशियंट है, तो वो है
डिस्चार्ज द क्रेडिटर्स एंड द बैंक एंड पे द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस। मतलब जो बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट है और क्रेडिटर्स का पेमेंट है और दे उसमें एक 1000 रुपीज वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस है, तो वो सारा का सारा एक्सपेंसेस करने के लिए या उनको पे करने के लिए 57,000 कैश डेल्टा कंपनी किसको देगी? अल्फा कंपनी लिमिटेड को देगी। और एंड एज 2,90,000 बाय द अलॉटमेंट 12,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑफ डेल्टा कंपनी लिमिटेड 7.5 पेड टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ अल्फा कंपनी लिमिटेड। मतलब 57,000 कैश और उसी के साथ 12,000 रुपीज के शेयर्स जिसका फेस वैल्यू है 10 और पेड अप वैल्यू है 7.50। तो इस तरह से कैश और शेयर्स के फॉर्म में जो परचेज कंसिडरेशन है 1,47,000 उसका पेमेंट होने जा रहा है। तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन हमें सेपरेटली गिवन है। सबसे पहले हमें नेट असेट्स का कैलकुलेशन करना है। नेट असेट्स का कैलकुलेशन करने के बाद जो हमें परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है और उसका मोड ऑफ पेमेंट किस तरह से दिया हुआ है उसका कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे नेट असेट्स का कैलकुलेशन करने के लिए नेट असेट्स की रिवाइज्ड वैल्यू नहीं दी है। परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो एज इट इज अमलगमेशन में जैसे हमने देखा है वैसे ही है सेम। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि नेट असेट्स में हमने क्या क्या लिया। जो असेट्स हमें दी थी वो सारी की सारी असेट्स हमने यहाँ पे दिख ली है। रिवाइज वैल्यू नहीं दिया हुआ है करके जो बुक वैल्यू था वही वैल्यू हमने यहाँ पे दिया है। तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को छोड़ के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1000 था उसको छोड़ के सारे की सारी असेट्स हमने यहाँ पे ली है। तो टोटल असेट्स टेकन ओवर हो गया है 1,75,000। देन जो लायबिलिटीज है वो लायबिलिटीज के बारे में हमें सेपरेटली उसका पेमेंट हो रहा ऐसा क्लियरली बताया गया है। और अगर क्लियरली बताया नहीं भी है तो अगर लायबिलिटीज अगर एक्सेप्ट नहीं करती है परचेसिंग कंपनी तो हम नेट असेट्स का कैलकुलेशन करते वक्त वो लायबिलिटीज को नहीं लेते क्योंकि उसका पेमेंट होता है। तो यहाँ पे लायबिलिटीज एक्सेप्टेड में कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी। देन टोटल असेट्स में से लायबिलिटीज कुछ भी नहीं है तो जो टोटल असेट्स है वही हमारा नेट असेट्स रहेगा। तो नेट असेट्स आया है 1,75,000। देन जैसे कि हमने अभी अभी क्वेश्चन में देखा है कि परचेज कंसिडरेशन वहां पे सेपरेटली दिया हुआ है। क्लियरली हमें बताया गया है कि जो बिजनेस है वो 1,47,000 में बिका है। तो 1,47,000 अगर हमारा परचेज कंसिडरेशन है तो यहाँ पे उसका जो मोड ऑफ पेमेंट है वो मोड ऑफ पेमेंट दो फॉर्म में दिया हुआ है। तो वो दो फॉर्म है, एक है कैश जो दिया हुआ है 57,000 और दूसरा है 12,000 शेयर्स ऑफ 10 इज 7.50 पेड। तो उसका अमाउंट भी हमें क्वेश्चन में दिया है 90,000। तो इस तरह से परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट हमारा बनता है 1,47,000। अब देखते हैं कि अगर नेट असेट्स और परचेज कंसिडरेशन हमें सेपरेटली दिया हुआ है और जो नेट असेट्स हमने कैलकुलेट की है वो नेट असेट्स और परचेज कंसिडरेशन में अगर डिफरेंस है तो हम उसके आधार से गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं नेट असेट्स ज्यादा है या परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है। तो कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो जो नेट असेट्स का वैल्यू है, नेट असेट्स का वैल्यू कितना आया है 1,75,000 और परचेज कंसिडरेशन 1,40,000। मीन्स क्या कि जो 1,47,000 इट मीन्स कि जो नेट असेट्स है वो नेट असेट्स का वैल्यू ज्यादा है और परचेज कंसिडरेशन कम है। अब नेट असेट्स हमारे पास ज्यादा आई है, हमारे पास मतलब डेल्टा कंपनी के पास नेट असेट्स ज्यादा आई है लेकिन परचेज कंसिडरेशन उसके बदले में जो देने वाला पैसा था अमाउंट था वो हमने कम दिया हुआ है। तो जो अमाउंट है वो डिफरेंस वो हमारा फायदा है और वो जो फायदा है वो हमें लिखना है कैपिटल रिजर्व के नाम से। तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व हमारा निकल के आता है नेट असेट्स लेस परचेज कंसिडरेशन।
1,75,000 माइनस 1,47,000 इज इक्वल टू कैपिटल रिजर्व आया है 28,000। तो इस तरह से जो बेसिक कैलकुलेशन है, जो बेस हमें सबसे पहले सॉल्यूशन को शुरुआत करने से पहले बनाना पड़ता है, वो हमने यहाँ पे बना लिया है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है। तो क्वेश्चन में लास्ट पैराग्राफ, प्रिपेयर द अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ अल्फा कंपनी लिमिटेड, मतलब जो अल्फा कंपनी है वेंडर कंपनी, इसकी बुक्स में हमें अकाउंट्स क्रिएट करना है, लेजर जर्नल लेजर अकाउंट्स और एंड पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डेल्टा कंपनी लिमिटेड। तो लेजर अकाउंट्स आज हम क्रिएट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डेल्टा कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज, या फिर सिर्फ दो ही जर्नल एंट्रीज डेल्टा कंपनी में होगी, जैसे कि हमने अमलगमेशन में परचेसिंग कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्रीज की थी। तो बेसिक चार एंट्रीज उसमें है, बिजनेस परचेस की फर्स्ट एंट्री और दूसरी एंट्री जो है वो परचेस कंसिडरेशन पेमेंट की, ठीक है। तो ऐसी यहाँ पे एक ही वेंडर कंपनी है, तो एक ही वेंडर कंपनी की दो ही एंट्री वहां पे बनेगी, एक तो वेंडर कंपनी का बिजनेस परचेस करने की और दूसरी उसको परचेस कंसिडरेशन का पेमेंट करने की। तो वो दो एंट्री आपको खुद करनी है, और अगर नहीं करते आ रही आपको तो मुझे आप पूछ सकते हैं, और अगर आपने की है बनाई है वो दो एंट्रीज डेल्टा कंपनी की बुक्स की, तो वो मुझे आपको व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। अगर उसमें कुछ आपका गलत है सही है वो मैं आपको बताऊंगी। तो अब जो मेन सॉल्यूशन है, प्रिपेयर द अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ अल्फा कंपनी लिमिटेड, तो वो हम देखेंगे। अब अल्फा कंपनी की बुक्स में हमें लेजर अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, तो लेजर अकाउंट्स में जो बेसिक अकाउंट्स बनते हैं, तो बेसिक अकाउंट्स हमने अमलगमेशन के प्रॉब्लम्स में देखे थे, तो सबसे पहला और मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो अकाउंट है वो बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। देन उसके बाद जो मेन और बेसिक अकाउंट्स में बनता है शेयर होल्डर्स अकाउंट, और थर्ड जो अकाउंट है वो बनता है डेल्टा कंपनीज अकाउंट। मतलब हम अल्फा कंपनी लिमिटेड में है तो हम डेल्टा कंपनी का मतलब परचेसिंग कंपनी का अकाउंट भी क्रिएट करते हैं। तो जो बेसिक अकाउंट्स थे वो है रियलाइजेशन अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट और डेल्टा कंपनीज अकाउंट। लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम्स में हमें कुछ नई बातें अगर दी रहती है तो उसके भी अकाउंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो लायबिलिटीज थी वो लायबिलिटीज जो है वो परचेसिंग कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं की है। मतलब इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो अल्फा कंपनी है, मतलब कि जो वेंडर कंपनी है, वो वेंडर कंपनी उन लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगी। तो उन लायबिलिटीज का बैलेंस क्या है, वो पेमेंट किस तरह से करेगी, इसके लिए हमें यहाँ पे उन लायबिलिटीज का अकाउंट भी हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आया है जो लायबिलिटीज थी, फर्स्ट क्रेडिटर्स अकाउंट, दूसरा है बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। ऐसी दो लायबिलिटीज का अकाउंट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। अब और दूसरा है कि जो कैश, ये कैश हमारे पास आएगी और कैश में से हम उनको पेमेंट करेंगे। तो कंपनीज के बारे में, अगर कंपनीज का रिकॉर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं तो वहां पे कैश वर्ड न यूज करते हुए वहां पे जो सारा का सारा ट्रांजेक्शन है वो बैंक के थ्रू होता है। तो यहाँ पे हम एक बैंक अकाउंट क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू, मतलब जो कैश आएगी वो भी हमारी बैंक में आएगी, और जो इनका लायबिलिटीज का और जो एक्सपेंसेस दिया हुआ है उसका जो पेमेंट होगा वो भी बैंक के थ्रू होगा। इसलिए हमें जो रिक्वायर्ड अकाउंट है वो है बैंक अकाउंट। तो इस तरह से छह अकाउंट हमने बनाए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट एंड डेल्टा कंपनीज अकाउंट। अब देखते हैं इसमें लेजर पोस्टिंग कैसे करना। तो लेजर पोस्टिंग करना कुछ नई बात नहीं है। सबसे पहले हमें बेसिक जर्नल एंट्रीज क्या है वो बेसिक जर्नल एंट्रीज करती आनी चाहिए। अगर हमने बेसिक जर्नल एंट्रीज सही से कर ली तो लेजर पोस्टिंग भी अपने आप वो सही हो जाता है। तो अब देखते हैं अल्फा कंपनी लिमिटेड में बेसिक जर्नल एंट्रीज क्या होगी। तो सबसे पहले अल्फा कंपनी लिमिटेड वेंडर कंपनी है, वेंडर कंपनी के बारे में हमें सोचना है। तो वेंडर कंपनी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वेंडर कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है, ठीक है।
ठीक है, वेंडर कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा और वो डेल्टा कंपनी में मिक्स हो रही, मर्ज हो रही, या फिर डेल्टा कंपनी उसको परचेस कर रही। तो अल्फा कंपनी लिमिटेड में जब हम जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं, तो जो वेंडर कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज हमें करनी है, तो वो बेसिक जर्नल एंट्रीज आपके पास है, तो आप देख सकते हैं कि वेंडर कंपनीज में बेसिक जर्नल एंट्रीज क्या है। उसी सीक्वेंस से हम यहाँ पे जर्नल एंट्रीज ओरली करेंगे और उसका लेजर पोस्टिंग हम करेंगे। तो सबसे पहले लिक्विडेशन के लिए सबसे पहले जो असेट्स जो हमें बैलेंस शीट दी हुई है, तो वो बैलेंस शीट हमें सबसे पहले खाली करना है। बैलेंस शीट खाली करने के लिए असेट्स साइड हम सबसे पहले देखेंगे, तो जो भी असेट्स है वो सारी असेट्स हमें रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर करना है। क्या करना है? जो असेट्स है वो रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर करना है, एक्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स फंड है, वो शेयर होल्डर्स को जाएगा। तो यहाँ पे जो असेट्स है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट छोड़ के, वो सारी की सारी असेट्स रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर होगी। अब असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज क्या होती है? तो बेसिक एंट्रीज में आप देख सकते हैं उसकी जर्नल एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, मतलब जो असेट्स है वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी और उन असेट्स का अकाउंट क्रेडिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जो जो असेट्स होंगी उनका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो अब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो क्रेडिट हो रहा उसके नाम से, तो क्रेडिट क्या क्या हो रहा, जो असेट्स का नाम है वो लिखेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितना है रुपीज 1 लाख, ये हमें बुक वैल्यू पे लेना है और हम ये बुक वैल्यू पे ही ले रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। सेकंड है प्लांट एंड मशीनरी, है रुपीज 40,000। थर्ड है ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, टू स्टॉक अकाउंट या स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट रुपीज 15,000। एंड देन फोर्थ है डेटर्स अकाउंट, टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट है 20,000। तो इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,75,000 से और इन असेट्स का अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब असेट्स साइड में दूसरी एक असेट्स बची है जो कि हमने रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर नहीं की है, तो वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये शेयर होल्डर्स फंड है और ये शेयर होल्डर्स अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स अकाउंट के बुक्स, शेयर यहाँ पे अल्फा कंपनी की बुक्स में एंट्री बनेगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रुपीज 1,000। तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, तो शेयर होल्डर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रुपीज 1,000। ठीक है, अब असेट्स साइड कंप्लीट हो गई, अब आते हैं लायबिलिटीज साइड पे। तो लायबिलिटीज में यहाँ पे हमें कैपिटल दिया हुआ है 12,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इच, रुपीज 1,20,000। तो ये जो कैपिटल है वो कैपिटल जाता है शेयर होल्डर्स अकाउंट को, क्योंकि जो शेयर जो वहां पे जो अमाउंट है वो किसकी है, शेयर होल्डर्स की है। तो जो शेयर कैपिटल है वो हम शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल है तो क्रेडिट बैलेंस है, अब वो डेबिट हो जाएगा। तो वहां पे एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब शेयर कैपिटल का अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, और वो जो शेयर्स का अमाउंट है वो शेयर होल्डर्स अकाउंट को जाएगा, मतलब शेयर होल्डर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। शेयर होल्डर्स अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, यहाँ पे हमने शेयर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया तो उसको छोड़ देंगे। अब क्रेडिट क्या हुआ है, तो क्रेडिट हुआ है शेयर होल्डर्स अकाउंट, तो शेयर होल्डर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो डेबिट हुआ उसके नाम से, तो यहाँ पे डेबिट क्या हुआ है शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से कितना है शेयर कैपिटल का अमाउंट रुपीज 1,20,000। ठीक है, देन उसके बाद
उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो परचेसिंग कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसका पेमेंट हमें करना है और पेमेंट के लिए हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताई है। तो अगर हम उसका पेमेंट करते हैं तो हमें पहले उसका जो अकाउंट है वो अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो उसके दो अकाउंट सेपरेटली हमने बनाए हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट और बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। अब देखिए इसका बैलेंस हमें इस अकाउंट में लिखना है, तो बैलेंस कौन से साइड पे हम लिखेंगे, तो बैलेंस लिखेंगे हम क्रेडिट साइड पे, क्योंकि वो लायबिलिटीज है और लायबिलिटीज का जो बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है। तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट में बैलेंस, तो यहाँ पे बैलेंस कितना है क्रेडिटर्स अकाउंट का 40,000, तो क्रेडिट साइड में बैलेंस 40,000। देन बैंक ओवरड्राफ्ट का भी बैलेंस हम लिखेंगे, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है यहाँ पे 16,000। तो इस तरह से दोनों लायबिलिटी का बैलेंस हमने लिख लिया है। ठीक है, अब जो हमारी बैलेंस शीट थी वो बैलेंस शीट पूरी कंप्लीट हो गई। बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स थे वो सब हमने जहां जहां जाते हैं वहां वहां ट्रांसफर कर लिए। अब आता है कि जो फोर्थ एंट्री हमारी रहती है वो फोर्थ एंट्री रहती है कि परचेज कंसिडरेशन ड्यू या परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल। तो परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल की एंट्री क्या होती है, जिससे हमें परचेज कंसिडरेशन लेना है। अब किससे लेना है, तो डेल्टा कंपनी से हमें परचेज कंसिडरेशन लेना है। और जो परचेज कंसिडरेशन है वो क्या है, हमारा इनकम है। तो इनकम कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो वहां पे हमारी एंट्री बनेगी डेल्टा कंपनीज अकाउंट डेबिट, डेल्टा कंपनीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे डेल्टा कंपनी का अकाउंट डेबिट हो गया, डेल्टा कंपनी का अकाउंट हमने बनाया है, तो डेल्टा कंपनीज अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना है, परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट 1,47,000। अब एक हो गया उसकी पोस्टिंग, अब सेकंड पोस्टिंग रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डेल्टा कंपनी की नाम से, डेल्टा कंपनीज अकाउंट 1,47,000। ठीक है, ये हुआ पीसी ड्यू। अब नेक्स्ट उसके बाद में तुरंत हमें एंट्री करनी है पीसी रिसीव की। तो पीसी रिसीव में देखिए जिस फॉर्म में हमें पीसी रिसीव हुआ है उसका अकाउंट डेबिट होगा और जिससे मिला है उसका अकाउंट क्रेडिट। अब क्या क्या मिला है हमें, तो यहाँ हमें कैश मिला है, परचेस कंसिडरेशन के बदले में कैश मिला है 57,000 और शेयर्स मिले हैं 90,000। ठीक है, तो किससे मिले हैं, डेल्टा कंपनी से। तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा 57,000। देन शेयर्स इन डेल्टा कंपनी अकाउंट डेबिट, शेयर्स इन डेल्टा कंपनी अकाउंट डेबिट 90,000 टू डेल्टा कंपनीज अकाउंट क्रेडिट 1,47,000। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट बनाया है हमने, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा किसके नाम से, डेल्टा कंपनीज के नाम से। क्या क्रेडिट हुआ है, जो क्रेडिट हुआ उसके नाम से, डेल्टा कंपनीज अकाउंट 57,000। ठीक है, देन सेकंड डेबिट हुआ है शेयर्स इन डेल्टा कंपनीज अकाउंट, तो इसका अकाउंट हमने क्रिएट नहीं किया है लेकिन इसे हमें ध्यान में रखना है कि ये शेयर्स हमें डेल्टा कंपनी से मिले हैं। टू डेल्टा कंपनीज अकाउंट, तो डेल्टा कंपनी के क्रेडिट साइड में, डेल्टा कंपनी के क्रेडिट साइड में जो डेबिट हुआ उसके नाम से। तो डेबिट क्या क्या हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट 57,000 और शेयर्स इन डेल्टा कंपनी अकाउंट, शेयर्स इन डेल्टा कंपनी अकाउंट कितना है ₹90,000। ठीक है, इस तरह से पीसी ड्यू हो गया और अब पीसी रिसीव्ड भी हमारा हो गया है। अब देखते हैं पैसे हमारे पास आ गए, तो पैसे किसके लिए आए हैं, तो जो पैसे मिले हैं वो जो लायबिलिटीज हमारी बाकी है वो लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए यहाँ पे हमें पैसे मिलेंगे। तो अब उस जो 57,000 हमें मिले हैं परचेसिंग कंपनी की तरफ से उसका यूज
हम लायबिलिटी का पेमेंट के लिए कर दें। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स का पेमेंट, क्रेडिटर्स के पेमेंट की एंट्री बनेगी और देन बैंक ओवरड्राफ्ट के पेमेंट की एंट्री बनेगी। तो अब नेक्स्ट एंट्री जो छठवीं एंट्री है वो बनेगी हमारी क्रेडिटर्स के पेमेंट की। तो क्रेडिटर्स का पेमेंट हम करते हैं, बैलेंस है क्रेडिट साइड में, अब यहाँ पे हम उसका पेमेंट करते हैं तो वो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसे जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट, और किसके लिए जा रहे हैं तो क्रेडिटर्स के पेमेंट के लिए। तो एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में बैंक अकाउंट के नाम से ₹40,000 पूरा का पूरा पेमेंट हो रहा है, ₹40,000। देन नेक्स्ट उसके बाद सातवीं एंट्री बैंक ऑर्डर, सॉरी इसका जो सेकंड पार्ट है, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्रेडिटर्स अकाउंट के नाम से, क्रेडिटर्स अकाउंट के नाम से ₹40,000। देन नेक्स्ट सातवीं एंट्री हमारी बनेगी बैंक ओवरड्राफ्ट के पेमेंट की। तो बैंक ओवरड्राफ्ट पेमेंट की एंट्री बनेगी बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट के डेबिट साइड में बैंक अकाउंट के नाम से अमाउंट कितना है, 16,000, ठीक है। और इसका सेकंड जो ये है वो रहेगा बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, किस नाम से, बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट है 16,000, ठीक है। अब दो पेमेंट हो गए, अब थर्ड पेमेंट हमें यहाँ पे इनडायरेक्टली क्वेश्चन में बताया है उसे हमें ध्यान से पढ़ना है। तो आपको 57,000 कैश जो मिली थी उससे हमें डिस्चार्ज करना था क्रेडिटर्स का और बैंक ओवरड्राफ्ट का, एंड द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप ₹1,000। तो वाइंडिंग अप का जो कॉस्ट है ₹1,000, अब वाइंडिंग अप मुझे जो लिक्विडेशन है उसके लिए जो एक्सपेंसेस आने वाला है वो है ₹1,000। तो वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस 1000 उसी कैश अकाउंट में से ही हमें करना है। अब एक्सपेंसेस है तो वो जो एक्सपेंसेस है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए जो अकाउंट हमने क्रिएट किया है वो कौन सा है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस होगा या जो इनकम आएगी तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में हम शो कर रहे हैं। तो जो एक्सपेंसेस है वाइंडिंग अप का वो हमारा जो एक्सपेंसेस है वो रियलाइजेशन अकाउंट में शो होना चाहिए। तो उसके लिए हमारी एंट्री बनती है वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस, वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस कितना आएगा ₹1,000। और उसका जो सेकंड इफेक्ट है वो होगा बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे भी हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस ₹1,000, ठीक है। अब जितना कैश आया था जिसका जिसका पेमेंट हमें करना था उन सबका पेमेंट हमने कर लिया है, असेट्स की असेट्स हमने सबको दे रियलाइजेशन को दे दी, लायबिलिटीज का पेमेंट हो गया था हो गया है, डेल्टा कंपनी की ओर से भी हमें परचेस कंसिडरेशन मिल गया है, अब शेयर होल्डर्स का पेमेंट बाकी है। अब शेयर होल्डर्स का पेमेंट जो है वो लास्ट में हम करते हैं, उससे पहले मतलब शेयर होल्डर्स का पेमेंट करने से पहले हमें रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है, और जो रियलाइजेशन अकाउंट पे जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो प्रॉफिट और लॉस हमें शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने के लिए दोनों साइड की टोटल हमें यहाँ पे सेम करनी है। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड की टोटल आती है 1,47,000, डेबिट की भी कर लेते हैं तो डेबिट की टोटल हमारी बनती है 1,75,000। अब देखिए जो टोटल ज्यादा है मतलब जो अमाउंट ज्यादा आई है टोटल में वो हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो डेबिट साइड की जो अमाउंट है टोटल है वो ज्यादा आई है,
तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है वो ज्यादा हुआ है 1,75,000 और इनकम साइड की जो टोटल है वो है 1,47,000। तो इनकम जो है वो इनकम कम हुआ है। अब एक्सपेंसेस ज्यादा और इनकम कम तो यहाँ पे क्या होता है, लॉस होता है। अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस कम है तो प्रॉफिट, और एक्सपेंसेस ज्यादा और इनकम कम है तो यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और ये जो लॉस है ये लॉस हमें शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे हम शेयर होल्डर्स अकाउंट के नाम से लिखेंगे, जो लॉस है वो आता है 29,000। ठीक है, तो इसे लिखेंगे हम शेयर होल्डर्स अकाउंट के नाम से, यहाँ पे लॉस ट्रांसफर। प्रॉफिट रहा तो प्रॉफिट भी ट्रांसफर हो जाता है और लॉस है तो लॉस भी ट्रांसफर। टोटल हो जाएगी 1,75,000। इसकी भी एंट्री बनेगी, जो रियलाइजेशन पे लॉस आया है वो लॉस हमें शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर करना है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, लॉस है शेयर होल्डर, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है तो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट होगा। प्रॉफिट रहा तो शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, एंट्री बनेगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन की क्रेडिट का इफेक्ट हमने कर लिया, अब डेबिट का इफेक्ट करेंगे शेयर होल्डर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट में। टू रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे हम लॉस ट्रांसफर या लॉस भी हम लिख सकते हैं, ₹29,000। ठीक है, इस तरह से जो प्रॉफिट लॉस था वो भी हमने शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया। अब सब जो सारे अकाउंट्स है वो सारे के सारे अकाउंट्स हमें क्लोज कर देने हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा, उसका पेमेंट हमने कर लिया है 40,000 से शेयर होल्डर्स अकाउंट क्लोज हो गया। देन बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट भी 16,000 से क्लोज हो जाएगा, उसका भी पेमेंट हमने कर दिया है। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं हम बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट में देखिए 57,000 डेबिट की टोटल है और क्रेडिट साइड की टोटल अगर हम करते हैं तो क्रेडिट साइड की टोटल भी हमारी हो जाती है 57,000। मतलब अब कैश और बैंक कुछ भी बचा नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है वो भी 57,000 से क्लोज हो जाएगा। देन शेयर होल्डर्स अभी रखते हैं क्योंकि उसका पेमेंट बाकी है। देन नेक्स्ट लास्ट में जो है डेल्टा कंपनीज अकाउंट, तो वो भी देखिए 1,47,000 डेबिट की टोटल है, पेमेंट करने के बाद 1,47,000 का पूरा पेमेंट हो गया है तो डेल्टा कंपनी अकाउंट भी हमारा क्लोज हो जाता है। अब हिसाब रहा घर के लोगों का, तो घर के लोग कौन है, शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स का पेमेंट करना है हमें लास्ट में। अब पेमेंट करने के लिए हमारे पास क्या बचा है, तो जो कैश हमें मिला था 57,000 उसका यूज तो हमने क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट के पेमेंट के लिए किया है। अब बचा क्या है हमारे पास, तो हमारे पास बचा है शेयर्स इन डेल्टा कंपनी लिमिटेड 90,000। ये जो शेयर्स है वो शेयर्स हम शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे, तो उसकी एंट्री बनेगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। शेयर होल्डर्स को वो शेयर्स जाएंगे तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू डेबिट टू सॉरी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन डेल्टा कंपनी लिमिटेड अकाउंट। शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन डेल्टा कंपनी, तो यहाँ पे डेबिट साइड में टू शेयर्स इन डेल्टा कंपनी लिमिटेड, कितने हैं, कितने रुपीज के शेयर्स है, ₹90,000। ठीक है, अब इसका भी हम इसको भी क्लोज कर देंगे, बैलेंसिंग कर लेंगे। क्रेडिट साइड की टोटल 1,20,000, डेबिट साइड में देखिए 90,000 के शेयर्स दिए हैं, लॉस भी किया है उन्होंने 29,000 और प्रॉफिट एंड लॉस में जो पुराना लॉस था वो था ₹1,000, ऐसे 30,000 लॉस और जो अभी शेयर्स 90,000 के, ऐसे कुल मिला के 1,20,000 से जो शेयर होल्डर्स अकाउंट है वो भी हमारा क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था हमारा लेजर पोस्टिंग या क्रिएटर लेजर अकाउंट्स इन दी बुक्स ऑफ अल्फा कंपनी लिमिटेड, वेंडर कंपनी की बुक्स के जो अकाउंट्स है वो अकाउंट्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, डिस्कस किए हैं, उसका सॉल्यूशन दिखा है।
अब पार्ट बाकी है, जो सेकंड पार्ट है वो है जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ डेल्टा कंपनी लिमिटेड। तो वो आपको खुद से करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएंगे डायरेक्टली, और प्रॉब्लम में कुछ नया नहीं है क्योंकि जो बेसिक जर्नल एंट्रीज है और ये लेजर पोस्टिंग है ये हमने अमलगमेशन में देखा ही है, तो ये यहाँ पे रिपीट रिपीट हो रहा। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि आगे हम जो परचेस कंसिडरेशन का कैलकुलेशन है वो मैं आपको डिस्कस करके दूंगी, या फिर कैसे करते हैं वो बताऊंगी। जो आगे के प्रॉब्लम्स है, जर्नल एंट्रीज है, लेजर पोस्टिंग है, वो आपको खुद से करके देखना है। और अगर कुछ अड़ता है, मतलब आपको नहीं आता या फिर कहा आपका रॉन्ग होता है, तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। याद से आपको डेल्टा कंपनीज के बुक्स की जर्नल एंट्रीज खुद बनानी है, क्योंकि दो ही एंट्रीज उसमें बनने वाली है, तो आपको खुद से बनानी है। फिर मिलेंगे नए एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।